92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में जब हम और आप आराम से अपने घर में रजाई में बैठकर हाथ में गर्म चाय का प्याला लिए बहुत ठंड होने की शिकायत करते हैं, तब शायद हमें ख्याल भी नहीं आता कि पूरे साल 365 दिन -25 से लेकर -40 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में बहुत सारे सैनिक हमारे देश की सरहद पर डटे रहते हैं दिन और रात, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। 3 फरवरी को सियाचिन में आए हिमस्खलन ने हम सबका ध्यान सियाचिन के मुश्किल हालातों की तरफ खींचा है जिसमें हमारे सैनिक रहते हैं। उस हिमस्खलन में हमारे 9 सैनिकों ने जान गंवा दी और एक सैनिक लांस नायक हनुमान थप्पा इस वक्त मौत से जूझ रहे हैं। आइए दिल्ली मेरी जान में हम सब मिलकर आज हनुमान थप्पा की जिंदगी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि दुआ में जितनी ताकत होती है उतनी शायद दवा में भी नहीं। और आइए आज हम और आप ये समझने की कोशिश भी करें कि कितनी मुश्किलों में सेना के हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए डटे रहते हैं। उन मुश्किल हालातों को हमें समझाने के लिए आज मेरे साथ दिल्ली मेरी जान के स्टूडियो में जुड़ेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी जी। अगर आप उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं सियाचिन के बारे में, कैसे सैनिक वहां रहते हैं, क्या खाते हैं, किन मुश्किल परिस्थितियों का वो सामना करते हैं, तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं 3992729272। यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आइए आज बात करें उन सैनिकों की जिनकी वजह से हम न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि हमारा सर गर्व से ऊंचा रहता है। यह 92.7 बिग एफएम, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं लांस नायक हनुमान थप्पा की जिंदगी के लिए। एक मिराकुलस एस्केप कह सकते हैं, एक हिमस्खलन आया सियाचिन में, 10 में से 9 सैनिक उसमें मारे गए। हनुमान थप्पा बच तो गए हैं लेकिन उनकी जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। आइए आज मिलकर दुआ करें कि हनुमान थप्पा बच जाएं। आज मेरे साथ दिल्ली मेरी जान में जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी जी, जो खुद सियाचिन में पोस्टेड रहे हैं। और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितने मुश्किल हालातों में हमारे भारतीय सैनिक जवान डटे रहते हैं सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी जी आपका। जी धन्यवाद, जय हिंद। सर, चाहूंगी आप अपनी पोस्टिंग के बारे में थोड़ा बताएं और सियाचिन में जिस जगह आप लोगों की पोस्टिंग होती है, तैनाती होती है, वहाँ के हालात थोड़ा हमको समझाएं। पहले मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी समझा दूं। जी, जरूर। तो ज्योग्राफी ऐसी है कि बेसिक डिवीजन जो है वो वाटरशेड के ऊपर रहेगा, जो फिजिकल ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो वो वाटरशेड हिंदुस्तान आर्मी ने ऑक्यूपाई करा हुआ है 1984 से, और वेस्ट साइड हमारे पास है, ईस्ट साइड पाकिस्तान के पास है। हम ऊंचाई पे हैं, वो नीचे हैं, और वहाँ पे जो हादसे होते हैं, जो लॉस होता है, वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वेदर होता है, गोलियों से नहीं होता है जी। और हमारे और पाकिस्तान के बीच में ऐसा है कि हमसे जो है बहुत ही कम नुकसान उनका होता है जान का, तो वी आर जस्ट कंटिन्यू टू ब्लीड देयर। मैं 92-93 में सियाचिन में पोस्टेड था जी। और वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, मेडिकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो कहती हैं कि एक पोस्ट के ऊपर 90 दिन से ज़्यादा एक आदमी नहीं सर्वाइव कर सकता है, उसको नीचे लाना ज़रूरी है। इसलिए जो है रोटेशन बहुत हैवी है इंडियन आर्मी की। तो एक साल पहले हमको बताया जाता है, जैसे हम देहरादून में थे, कि अगले साल आपको सियाचिन में जाना है। तो एक साल तो ग्राउंड पे हम जहाँ भी हुए हैं वहाँ पे हम तैयारी करते हैं जाने की, मेंटल टफनेस, रोबस्टनेस एंड फिजिकली, ये सारा हम तैयार करते हैंगे। उसके बाद कोर्सेज वगैरह ये सब होता है का, वो सब बताते हैं। एक साल के बाद हम जाते हैं तो स्टेजेस में जाते हैंगे। पहले हम जाते हैं लेह, तो लेह में काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती हैगी। एक साल हम वहाँ लगाते हैं, वहाँ पे अपनी फिट ट्रेनिंग करते हैं और हम जो है एक्लेमेटाइज होते हैं वहाँ के वातावरण से, उससे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है इंडक्शन। तो जैसे हम अगर 9000 फीट पे हैं, लेह में हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं 12-12.5 हज़ार फीट पे, बेस कैंप में जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जब बेस कैंप बन जाता है, उसके बाद फिर हम एक्चुअल डिप्लॉयमेंट्स करते हैं पोस्ट के ऊपर, जो कि 18000 से 20-22000 तक ऊपर तक जाती हैंगी जी। तो इन फेजेस में होकर आखिर एक सैनिक जब
सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचता है और आपने कहा कि 90 दिन से ज्यादा वहां कोई रह ही नहीं सकता, तो किन मुश्किलों का सामना करते हैं हमारे जवान, किस किस तरह से उनके हेल्थ को प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब कुछ मैं जानूंगी लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी जी से। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी कॉल लगा सकते हैं, 3992797 हमारा नंबर है, कॉल लगाइए और एक दुआ भी कीजिए लांस नायक हनुमान थप्पा की जिंदगी के लिए। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी, जो कि खुद सियाचिन में तैनात रह चुके हैं और आज हमें समझा रहे हैं कि सियाचिन में किन मुश्किल हालातों में हमारे जवान डटे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। कर्नल चौधरी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया कितने मुश्किल हालात होते हैं वहां पर, किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं हमारे जवानों को? वर्स्ट केस सिनेरियो बता देता हूं, जो 20,000 पे है, जैसे कि ये सोनम पोस्ट है, बाना पोस्ट है, तो वहां पे रेरिफाइड एटमॉस्फेयर होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, आप 90 दिन तक नहा नहीं सकते हैं, आप नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो उस लिए जो है आपकी स्किन बिल्कुल ब्रिटल और ख़राब हो जाती है, आप थोड़े से जॉम्बी हो जाते हैं, आपका डिसओरिएंटेशन शुरू हो जाता हैगा, और खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे आपको कोई पल्मरी ओडिमा या कुछ ऐसी चीज़ हो गई, पल्मरी ओडिमा इज़ कि जब ठंडी हवा लंग्स में जाती है तो लंग्स में उसमें मॉइस्चर होता है, वो फ्रीज़ हो जाती है, तो लंग्स भी आपके फ्रीज़ हो जाते हैं, तो उसका सिर्फ दो तरीके होते हैं, उसको आपने ऑक्सीजन देनी है और उसको आप लोअर हाइट्स पे लाना है। अगर ये सिचुएशन गुड वेदर में होती है तो आपका हेलीकॉप्टर आपको रिट्रीव कर लेता है, एवरीथिंग इज़ फेड बाई हेलीकॉप्टर्स। अगर ये बैड वेदर में होती है देन यू हैव टू वेट फॉर क्लाउड्स टू क्लियर, तो आपकी किस्मत है, आपकी तबीयत ख़राब हुई एकदम हेलीकॉप्टर आ गया, आपकी किस्मत है कि क्लाउड्स 3 दिन तक नहीं खुले तो आप 3 दिन तक वहाँ पे हैं। इफ देयर हैव बीन सिचुएशंस वेरी सैड वेयर अ डिटैचमेंट ऑफ 10 हैव टू लिव विद अ डेड बॉडी टिल इवैक्यूएशन कम्स, दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। फिर हम उनको नीचे 90 दिन के बाद नीचे लाते हैं, नीचे ला के उनको जो है गर्म पानी टब में रखते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, उसके बाद आर्मी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, उनको नॉर्मल करते हैं इससे पहले कि वो अपने घर जा सके। ऐसा नहीं है कि 90 दिन के बाद नीचे अगले दिन फ्लाइट ली जम्मू से और अपने घर चले गए, नहीं, उसके बाद 15 दिन 20 दिन जब तक वो नॉर्मल नहीं होता है उसको हम रेस्ट देते हैं और फिर उसको छुट्टी भेजते हैं। जी, कितने मुश्किल हालात लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने बताए, हम लोग तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे जीने की, तो फिर हमारे जो सैनिक हैं वो उतनी ऊंचाई पर इतने मुश्किल हालातों में सर्वाइव कैसे करते हैं, ये मैं जानूंगी लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी से सबसे बस कुछ ही देर में। अगर आप लोग इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल लगाइए और कॉल लगाकर लांस नायक हनुमान थप्पा के लिए दुआ भी कीजिए, हमारा नंबर है 3992797, यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। आज आइए हम सब मिलकर अपने दिन की शुरुआत एक दुआ से करें। दुआ ये कि सियाचिन में आए हिमस्खलन में 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबे रहने वाले लांस नायक हनुमान थप्पा की जान बच जाए, उनका इलाज चल रहा है और उनको हम सब की दुआओं की जरूरत है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी। कर्नल चौधरी, आपने बताया कि कितने मुश्किल हालात हैं, आपने बताया कि किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज लोगों को हो जाते हैं, फिर मैं जानना चाहूंगी आर्मी की तरफ से क्या क्या तैयारियां होती हैं ताकि हमारे सोल्जर्स उतनी मुश्किल परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकें। जी, सबसे पहले तो होता है इक्विपमेंट, जो कि बेस्ट इंपोर्टेड इक्विपमेंट जो है वो आर्मी प्रोक्योर करके देती हैगी। उसके बाद उनकी जो है ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे रहने के लिए इग्लूज़ वगैरह प्री फैब्रिकेटेड जो होते हैं फाइबर ग्लास वगैरह के, वो सब प्रोक्योर करे जाते हैं। उसके बाद जो जवान हैगा उसके खाने पीने के लिए जो बेस्ट राशन्स हैं विच यू कैन थिंक ऑफ इन द वर्ल्ड वो प्रोवाइड होते हैं, या मैं कहना चाहूँगा फ्रेश नहीं हो पाते हैं मगर जो बेस्ट टिन राशन है वो आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक सप्लाई चेन की होती है, जो कि हेलीकॉप्टर्स हैं। ये ध्यान रखिए कि हेलीकॉप्टर्स जिन्होंने बनाए थे एल्यूट वगैरह फ्रांस वगैरह ने, उनकी सीलिंग लिमिट थी, वो इस हाइट तक नहीं जा सकते थे। ये इंडियन एयर फोर्स का कमाल है कि उन्होंने स्ट्रिप डाउन करके उसको इतना हल्का कर दिया और जो मैन्युफैक्चरर की
दीवी लिमिट्स थी उससे भी ऊपर ले गए तभी हमारे ये ले जा सकते हैं। अब जैसे ये सोनम पोस्ट है इसमें सिर्फ 20 केजी का वजन ही ले जा सकते हैं। अच्छा। और टोटल सप्लाई रहती है हेलीकॉप्टर से, तो आप देख लीजिए कितने राउंड लगाते हैं और कितना मुश्किल है इसको सप्लाई करना। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी जब आप इवैक्यूएट करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर उसको किसी को प्रॉब्लम है उसको लाना है तो ऑक्सीजन देनी है और हाई प्रेशर एरिया में मतलब सी लेवल पे लाना है। अगर नहीं ला सकते तो हमारे हॉस्पिटल जो वहाँ पे हैं परतापुर में और लेह में उनके अंदर ही उन्होंने प्रेशर कैप्सूल बनाए हुए हैं, उसके अंदर जो है आप पेशेंट को डाल दीजिए, इट विल लुक एज ए फीज ऑन सी लेवल। तो बहुत अमदा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दी हुई हैं। खाने पीने का वैसे क्या इंतजाम होता है, क्या खा सकते हैं वहाँ पर भी, उस पर भी काफ़ी पाबंदियाँ होती होंगी? जी पाबंदी तो नहीं होती है, खाना इतना होता है मगर खा नहीं पाते हैं। आप एक पोस्ट के ऊपर हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, भूख तकरीबन मारी जाती है। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड लॉस ऑफ वेट। और वहाँ कुकिंग तो हो नहीं सकती, तो जो भी है वो आप कैंड टिंड यही खाना खाते हैं? नहीं, केरोसिन से जो है हम उसको वार्म अप कर सकते हैं, तो वो जैसे राइस होता है वो प्री कुक्ड होता हैगा, तो उसको ऐसी चीज़ों को आप लिया और उसको जो है आपने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, उसके बाद उसको जो है आपने खा लिया। जी तो ये तो हमने समझने की कोशिश की कि मुश्किल हालातों की वजह से किस किस तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे सैनिकों को हो जाती हैं और कैसे उनका इलाज किया जाता है, कैसे उन्हें उन परेशानियों से बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत तरह की साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती होंगी। उतनी ऊंचाई पर तैनात होना और अपने परिवार से इतना दूर, अकेलापन होता होगा, इस सब के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी जी से। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आइए मिलकर लांस नायक हनुमान थप्पा की जिंदगी के लिए दुआ करें। कॉल लगाइए 3992 7927 मेरा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं सियाचिन में तैनात रहे लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल चौधरी जी। अतुल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे आज ये है कि जब इतने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, इतने मुश्किल हालात होते हैं सियाचिन में, तो जाहिर सी बात है जवानों पर साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता होगा। जी बहुत ज़्यादा पड़ता हैगा, बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, फैमिली से आप अलग रहते हैंगे। इसके लिए जो है हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं और बहुत अच्छी टीम है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस हो जाती है कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है कि इसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दे पा रही है, सोसाइटी अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। जी, और मैंने अपने लिसनर्स से कहा था कि लांस नायक हनुमान थप्पा के लिए हम सब लोग आज दुआ करें, अगर कोई कॉल लगाना चाहते हैं। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं अभी एक कॉल ले लेती हूँ। सर, मैं सुमित अरोरा बोल रहा हूँ और मैं ऑफ कोर्स लांस नायक हनुमान थप्पा के लिए तो दुआएं करेंगे, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो पे एक श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो इतने सारे 1984 से लेके जवान हमारे वहाँ शहीद हुए हैं। आज मीडिया और आज रेडियो FM ये सारे लोगों ने इतना अवेयरनेस फैलाया है ना सियाचिन के बारे में, आई थिंक हैड्स ऑफ टू यू गाइस आल्सो जिन्होंने इतना करीब लेकर आए हैं। शुक्रिया सुमित, लेकिन मुझे लगता है आज तो सिर्फ हमें कहना चाहिए हैड्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, बहादुर जवान जो दिन रात डटे रहते हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। कर्नल चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दिल्ली मेरी जान में आए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। चलते चलते आप हम सब दिल्ली वालों को क्या कहकर जाना चाहेंगे? जी बिसाइड्स मैं कहूँगा कि जो सपोर्ट ग्रुप था, जो मद्रास रेजिमेंट के, जिन्होंने 6 दिन तक लगातार 24 घंटे वहाँ डिगिंग करी है जहाँ सांस नहीं आता है, जो मेडिकल टीम थी, जो पायलट थे एयरफोर्स के, उन सब को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और सब जवानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बार वो गाना जरूर सुनवा दीजिएगा, ए मेरे वतन के लोगों, जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग।